नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक, केजी पब्लिकेशन से केजी गुप्ता द्वारा लिखी गई, और चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेगा, तो सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद क्वेश्चन आप करो ना करो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कर लोगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें। पढ़ना बेटा शिवानी। ठीक है, इसमें कॉल तो हमें दिखी थी, कितनी की कॉल दिखी थी? दो कॉल दिखी थी ना। हेलो, कितनी कॉल थी इसमें? एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट है, दो कॉल है, तो दो कॉल की कितनी एंट्री बनेगी? चार, बस चार एंट्री में काम तमाम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या सोच रहे बेटा? सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ओ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? हाँ, सेकंड क्वेश्चन में आप ये देखें कि हमने कितने डिवेंचर इशू किए थे? 2000 12% पे 100 रुपये, 12% डिवेंचर इशू एट द रेट 100 रुपीज़ ईच, है ना। 100 वाले थे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने 2000 इशू किए, लेकिन 3000 की अपडेशन आई, तो इसे तो बोलेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट, वो चीज़ करनी पड़ेगी। ऑन एप्लीकेशन कितने का था? 30% है ना, तो 100 रुपये का 30% कितना होता है? 30 रुपये। ऑन अलॉटमेंट 70% के लिए बोला था, 70% यानी 70 रुपये, ठीक है। दो कॉल की कितनी? चार एंट्री बन सकती है। अब इसका प्रो राटा अलॉटमेंट समझते हैं, क्या कहना चाहता है। जब उन्होंने शेयर किए थे वहाँ पर दो तरह के प्रो राटा अलॉटमेंट किए थे, है ना। एक तो कुछ इस तरह से कि भाई यहाँ पे इशू किया, यहाँ रिसीव हुआ, उसमें से कुछ हमने वापस कर दिया, फिर जो बचा उसे हमने आपस में एडजस्ट कर लिया। देखो शिवानी, एक तो इस टाइप का था कि यहाँ पे इशू, यहाँ पे रिसीव हुआ, कुछ हमने वापस कर दिया और कुछ जो बचा हमने एडजस्टमेंट कर दिया, एक्स्ट्रा अलॉटमेंट चले गए। लेकिन दूसरे तरीके का हमारा इस तरह से होता है, दो हज़ार डिवेंचर इशू किए, 3000 के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है। अब 3000 में से 1800 को फुल एक्सेप्ट कर लिया। फुल एक्सेप्ट मतलब 1800 किसी ने मांगे तो हमने 1800 पूरे दे दिए, ठीक है। किसी ने मांगे 400 तो हमने उसे सिर्फ दिए कितने? 200, यानी ये 50% पे गया और ये फुल। यहाँ एक्स्ट्रा कितने बनते हैं? 200। कहाँ चले जाएंगे? अलॉटमेंट पे, और बाकी बचे 200, यानी कि उसने बोला रिमेनिंग रिजेक्ट कर दिए, लिखा था ना, हाँ, रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। अब रिमेनिंग कैसे मालूम पड़ा? भाई 3000 टोटल थी, 3000 में से हमने कितना हिसाब लगा लिया? 18 4 22, देखो इधर 18 4 22। अब 2200 रुपये, तो 2200 तो एप्लीकेशन में ठिकाने लगा दी, बची कितनी? 800। कोई और चलाऊँ? हाँ, पुराने वाले। देखो 3000 में से 2200 माइनस करेंगे कितना बचेंगे? 800। और यहाँ पे हमारे पास देने के लिए थे 2000, और 2000 पूरे सेट कर दिए। अब 800 के लिए हमारे पास क्या है? नील, कुछ भी नहीं है, इन्हीं को हम वापस कर देंगे। फिर से सुन लो, मैं दोबारा बताता रहा हूँ। 2000 इशू किए, एप्लीकेशन मिली 3000, कितना फालतू मिली? 1000। अब कहने का तात्पर्य उसका ऐसा है, जो उसमें लिखा गया था कि 1800 वालों को फुल दिए, जिसने 1800 शेयर मांगे और मतलब डिवेंचर मांगे, उसे 1800 डिवेंचर अपने दे दिए, खत्म। फिर किसी ने 400 मांगे तो हमने उसे कितने दिए? 200 दिए। तो अब एक्स्ट्रा कितने आ गए हमारे पास? 200 आ गए, वो अलॉटमेंट पे चले गए। कहाँ चले गए? अलॉटमेंट पे। अब बाकी जो बच्चे हमने वापस कर दिए, बाकी कितने बच्चे? 3000 में से इनको हमने एडजस्ट कर दिया, बचे कितने? 800। उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि देने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
अगर हम इसमें माइनस करेंगे इन दोनों को तो ये नील बचेगा, इस वजह से इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 800, इस तरह से रिमेनिंग आया और इसे हमने वापस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अब हमारे पास क्या है, दो कॉल है, दो कॉल की कितनी एंट्री, चार। पहली एंट्री जो बनेगी हमेशा जो एप्लीकेशन रिसीव हुई उनसे होगा, कितने मिले 3000। पहली एंट्री 3000 से होगा कि सर 2000 से चलती रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। एक तो ऊपर खटखट चल रही ना, उससे भी आपका ध्यान कम लग रहा होगा। पता नहीं क्या तोड़े बैठे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन है ना, 3000 डिवेंचर की एप्लीकेशन मिली और 30 रुपए से, हाँ 40। नरेशन बींग, भाई चल रही है वीडियो, देखियो बींग, हाँ बींग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसमें तो बस एंट्री बनानी है, हाँ दो एंट्री बनानी, चार एंट्री बनानी है। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री पे सब ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर था, 12%, 12% डिवेंचर। ये तो नॉर्मल एंट्री होगी एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की है ना, ऐसी होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये हमने ट्रांसफर करनी नॉर्मल एंट्री, लेकिन हमने कुछ पैसा अलॉटमेंट डाला कुछ हमने वापस कर दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक। अब हमने कितना वापस किया था 800, तो 800 इंटू 30, क्योंकि 30 के हिसाब से आया, 30 के हिसाब से ही चला गया। यहाँ पे 200 थे अलॉटमेंट गए, 200 इंटू 30, हमने इशू कितने किए थे 2000, जितने इशू किए थे वो यहाँ जाएंगे 2000 इंटू 30, और हमें रिसीव कितने हुए थे 90000, 90000 में से ये हो गए 60000 जो डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर दिए, ये 6000 जो हमने अलॉटमेंट डाल दिए, ये कितने हैं 24000 जो हमने वापस कर दिए। बींग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर एंड डिबेंचर अलॉटमेंट है, आप क्या करते हैं, कुछ सौदा भी नहीं था, ब्लैक ब्लू रिंग मिल नहीं रही थी मार्केट में, ब्लैक तो डालनी थी जो अवेलेबल थी, जब तक ब्लू चले चलाए वरना ब्लैक कर दिए, ठीक है। एंड बैंक थिनर से ये हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे साफ हो जाएगा, करेगा ये हो दो एंट्री। इसके बाद तीसरी एंट्री किस बात की बनती है, देखो कैसे मरे जा रहे हैं, अरे इसमें भर, इसमें है, इसमें भरा हुआ है, बस बाहर ही नहीं आ रहा, देखिए सही चल रहा कभी। तीसरा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, क्या तो उसको ध्यान दे रहा है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू में कितना आएगा, 70 रुपए से मल्टीप्लाई होगा 2000 इंटू 70, क्योंकि 3000 का यूज सिर्फ पहले एंट्री में करना है, फिर 3000 का यूज नहीं करना, फिर 2000 चलना है, 7×21 बाकी 40, 210000 आ जाएगा, ठीक। फिर फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, किसी ने पैसे रोका था क्या, कैसी रिंगटोन लगा रखी है, बंद करो साइलेंट। हेलो, डिबेंचर अलॉटमेंट, हाँ बोलो, अरे बात ना कर लेना, दो मिनट में फोन कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ।
काट दो काट दो। ठीक है बेटा देखो, ये अलॉटमेंट ड्यू हुआ, हमने 2,10,000 की डिमांड करी, 2,10,000 मिलना चाहिए अलॉटमेंट पे, लेकिन कुछ पैसे पहले से मिल चुके थे, मिल चुके 6,000। तो आपको पता 2,10,000 में से 6,000 तो पहले ही मिल गए, वो तो मिलेंगे नहीं, तो कितने मिलेंगे, 1,94,000, सॉरी कितने थे, नहीं 2,04,000, सही बोले आप, 2,04,000 रिसीव होंगे, क्योंकि 2,10,000 रुपये की डिमांड करी है ना। देखिए अमाउंट तो हमने भी गलत कर रखी है, क्या हो रहा है वैसे मल्टीप्लाई में आजकल, 2,000 × 70 करेंगे कितना आएगा, 1,40,000 आएगा ना। तो हाँ वो ना ये ठक ठक ही चल रही है इसमें, ये देखो हथौड़े चल रहे हैं, हथौड़े ऊपर काम चल रहा है, ऊपर हथौड़े बज रहे हैं यहाँ पे। देखो बेटा 2,000 वहाँ तो हमने सब कुछ मल्टीप्लाई सही करेगा, ये 2,000 × 70 किए तो डिमांड हुआ 1,40,000 का, उसमें से हमें पहले से कितने मिल चुके हैं, 6,000। तो 1,40,000 में से 6,000 माइनस किया तो हमें कितने मिलेंगे, 1,34,000 इतने मिलेंगे। क्या कोई कॉल सिनेरियो था यहाँ पे, होता तो कॉल सिनेरियो के नाम से डेबिट करते हैं और फिर से माइनस करें तब अमाउंट डालते हैं, तो फिलहाल 1,34,000 ही रिसीव होगा, इतना ही है इसमें, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, ये है हमारे चार एंट्री का क्वेश्चन। ठीक है नोट डाउन कर लो बेटा, पैरेट राइट ऑफ ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर। ठीक है बच्चों, वीडियो देख लियो तो सही है, मिलते हैं।